एक औरत ने औरत दे नाल ही व्याह करवा लिया। जी हाँ, ये दो औरतां ने अंजू अते कविता, इन्हां दोवां ने आपस दे विच व्याह रचा लिया। अंजू पति का किरदार निभाउंदी है जबकि कविता पत्नी का। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि यह विआह 23 अप्रैल 2024 नूं गुरुग्राम के मदनपुरी स्थित छोटी पंचायत धर्मशाला दे विच होया। गुरुग्राम की रहने वाली 30 साल अंजू शर्मा ने हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली 30 साल कविता दे नाल व्याह करवा लिया। इस रिश्ते दे विच अंजू शर्मा पति का किरदार निभाउंदी है जबकि कविता पत्नी का। उधर ही अंजू दस दिए कि उन्हों का नाम अंजू शर्मा है लेकिन उन्हों की पत्नी उन्होंने अज्जू और शोना बोलती है। ये 4 साल तो एक दूसरे के नाल सी। उत्थे ही उन्होंने दसाया कि उन्होंने विआह रीति रिवाजा के नाल ही होए ने, जिमें कि एक कुड़ी ते मुंडे दा हुंदा है। दोनों के परिवार वालों ने भी इस विआह नूं स्वीकार कर लिया। दोनों ने इस गलबात दे विच दसाया कि एक दूसरे नूं किवें मिले ते किवें उह अपना परिवार अगे वधाउणगे, किहड़ियां परेशानियां का सामना करना पै रिहा अते होर सवालों का जवाब भी उन्होंने वल्लों दित्ता गया। की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुनते हैं। हाँ, मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं अपने हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, गुड़गांव से। मेरा मकान कृष्णा कॉलोनी में है तो मैं यहाँ रहती हूँ। वैसे मैं मुंबई भी रहती हूँ और वहाँ मैं टीवी सीरियल वगैरह में काम करती हूँ। मुंबई में कौन कौन है, मुंबई में आप क्या काम करते हैं और इस प्रोफेशन के बारे में? मैं टीवी सीरियल में काम करती हूँ, जैसे नागिन 6 में किया है, मैडम सर में किया है, परिणीति में किया, काफ़ी टीवी सीरियल में मैंने काम किया है और अभी कर भी रही हूँ साथ के साथ। तो वहाँ पे मेरा और फेसबुक और इंस्टा वगैरह सब जगह आप मुझे देख सकते हो, हर जगह मैं हूँ। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में सिर्फ अब मेरी सिस्टर है और मम्मी और पापा एक्सपायर हो चुके हैं तो कोई और नहीं है, वो भी सिस्टर शादीशुदा अपने घर पे हैं। अंजू जी, आपने एक फीमेल से शादी की? जी। कैसे अट्रैक्शन हुआ, कब मुलाकात हुई, कब आपको लगा कि आप इनके साथ आपको शादी करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में तफसील से बताइए। ये मैंने जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मैं बताने यूट्यूबर हूँ तो मेरे उस पर मैंने शूट किया था 2020 में अगस्त में अपने, मैंने तो इसको बुलाया था कविता को एज ए मेकअप आर्टिस्ट। जब ये आई, काफ़ी लोग आए थे, मुंबई से भी आए थे, कोई डायरेक्टर कोई आर्टिस्ट बहुत सारे आए थे और यहाँ आसपास से आए थे, तो इसका साथ में रहना, काम करना इसका भी है, वो इतना अच्छा था, व्यवहार इतना अच्छा है इसका कि हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। मिलते मिलते हम दोनों इतने मिल गए कि मैं इसको छोड़ने गई, इसके घर ही वापस आ गई, तो उससे हम दोनों का इतना लगाव हो गया, इतना ज़्यादा कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। और धीरे धीरे बाहर भी गए, जैसे मुंबई, ये भी मेरे साथ चली गई, मुंबई रहे, वहाँ भी इसने मेरी इतनी केयर करी कि मेरे दुख में, सबसे ज़्यादा कहते ना कि सुख में तो और कोई साथ होता है बट जो दुख में साथ होता है ना वो अपना होता है, तो जहाँ मेरे दुख में मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था, मेरे भाइयों ने और सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, तो वहाँ पे ये खड़ी हुई थी। इसी, अगर हकीकत बोलूँ तो आज मैं जिंदा हूँ तो इसी की बदौलत हूँ, क्योंकि जब मैं टूट गई थी, जब मेरा भांजा गया, मेरी माँ गई, तो कहते संसार में जिसके दो ही हो और वो ही दूर चले जाएंगे तो किसके लिए जिएगा, तो इसने मेरे को एक दूसरी जिंदगी दी है और इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया मुझे इससे, और ये मेरे से ज़्यादा मेरे को प्यार करती है, हकीकत तो ये है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर भगवान ना करे कोई मेरे को इतनी सी क्रोच पहुंचाएगा ना तो ये उसको छोड़ देगी, हकीकत ये है, तो बहुत प्यार करती है। अंजलि, शादी कब हुई आपकी दोनों? हमारी 23 अप्रैल को हुई है 2024 में और गुड़गांव में ही शादी हुई है और पूरे रीति रिवाज से शादी हुई हमारी, इतने रीति रिवाज से जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती ना सेम हुई। कंजर्वेटिव समाज में हम लोग रहते हैं, जी, जी। में इस चीज को स्टिग्मा समझा जाता है, समलैंगिक संबंधों को। जी, जी, जी। परिवार का कैसा रिएक्शन था? देखिए, मैंने बताया मेरे मम्मी पापा तो है नहीं और मेरी बहन और जो है मेरे जीजाजी, मेरे जीजाजी नहीं आए, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं शादी में नहीं आऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आओगे तो देखो शादी तो होनी है, क्योंकि हम दोनों ने डिसीजन ले लिया था शादी करेंगे, हमारे कार्ड भी छप चुके थे, ढोल बाजा सब कुछ हो चुका था हमारा, धर्मशाला भी मैंने बुक कर दी थी, पंडित भी मैंने बुक कर दिया था, सभी चीजें जैसे कर चुके थे, हम पीछे तो हम नहीं हट सकते, ठीक है, जिन्हें हमसे प्यार है वो आए और जिनको हमसे प्यार नहीं है तो हम उनसे उम्मीद भी क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, जिनको हमसे प्यार नहीं तो हम उम्मीद क्या करेंगे उनसे। आपके ब्रदर्स भी थे या आपके जो रिलेशंस में थे, क्या उनका उनका क्या रिएक्शन? देखिए, रिलेशन में जो थे वो हमारे आए हैं, जो मेरे रिलेशन में मैंने बहुत ही कम लोगों को वैसे बुलाया है, पर उनका बाद में सभी का फोन आया कि हमें क्यों इन्वाइट नहीं किया, हम तुम्हारे साथ थे, पर जो खास खास थे, जो बिल्कुल ही ऐसे थे कि जो हमारे बिल्कुल करीबी हैं और वो आएंगे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे पहले से साथ थे, तो कम से कम 80-90 लोगों का हमारा वो था,
और सभी आए, और यकीन मानो कि इतनी अच्छी शादी मैंने लाइफ में शायद किसी की नहीं देखी, क्योंकि इतनी सी भी अड़चन नहीं आई खाटू श्याम जी की कृपा से, सब बढ़िया रहा। अजित जी, आप एक फीमेल हैं, आपको कभी किसी पुरुष की तरह कुछ आकर्षण महसूस नहीं हुआ कभी, या आपको शुरू से ही लड़कियां अच्छी लगती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, होता है कि नहीं, अब नहीं होता, पहले हुआ था, ऐसा नहीं नहीं हुआ, बट देखिए जहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्या है कि मेरी बहन के साथ एक हादसा हुआ था, जब बड़ा बेटा हुआ था तो मैं उसकी डिलीवरी को देख के डर गई। अच्छा। हकीकत बताऊं, उसकी डिलीवरी देखी और वो बहुत पेनफुल, मतलब दूसरा जीवन मिला था तो मुझे उससे डर सा लग गया था। उसके बाद मैं डिसीजन नहीं, अब मैं नहीं कहूँगी। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं कि मैं एक कोई है कि मैं जो कहते हैं हमारे वर्ड में, अगर आज की डेट में हमें काफी लोग बोलते हैं लेस्बियन, अगर इस बात को भी बोलते हैं तो आई एग्री, नो डाउट, क्योंकि पर हमें ये है कि कोई कुछ भी बोले हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आपको कब लगा कि आप एक लेस्बियन है? देखिए जब इससे प्यार हुआ, जब इससे प्यार हुआ तो लगा कि हाँ भाई, अब उसको आप लेस्बियन बोले या जैसा भी जिसको लेना है इस बात को ले। अच्छा, अभी इन पूरे आपने बताया कि चार साल से आप दोनों रिलेशन में हैं, कभी झगड़ा भी हुआ, कभी हुआ होगा झगड़ा या कभी एक दूसरे से दूर जाना हुआ होगा, कैसे इस चीजों को मेंटेन करते हैं? देखिए झगड़ा हमारा हुआ तो इतने हद से पार हुआ, ये देखिए झगड़ा नहीं होता, अरे प्यार जहाँ होता वहाँ झगड़ा भी होता है, जेन्युइन बात है, जहाँ पे प्यार होगा वहीं झगड़ा होगा। नहीं कहते ना हम दीवारों के सर नहीं मार सकते, जब परिवार होता है तो घर बनता है, नहीं है कि दीवारों से घर बनता, मैं ये सोचती हूँ। तो हमारा झगड़ा भी खूब हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, पर हुआ तुरंत हम मान भी जाते हैं आधा घंटा पौन घंटे में, या तो ये मेरे को मनाने आ जाती है, मैं चली जाती हूँ, एक दूसरे को राजी कर लेते हैं। और रही बात, हम चार साल में दो ही बार सिर्फ अलग हुए हैं, एक बार ये मजबूरी में आई थी, मेरा काम था गुड़गांव, मैंने भेजा था, और दूसरी बार मैं आई थी, सिर्फ दो दो तीन तीन चार दिन के लिए हम अलग हुए, बाकी हमारी हिम्मत ही नहीं कि हम एक दूसरे के बिना रह सके। सूट में भी ये मेरे साथ ही जाती है, अगर जैसे मुंबई मेरा टीवी सीरियल का सूट होता है तो ये मेरे साथ ही जाती, वहां मैं परमिशन ले लेती जी मेरे साथ, उस वक्त ये फ्रेंड बोलती थी, आज सब जानते मेरी घरवाली है, मेरी वाइफ है, तो ये चीज है। तो जब शादी होती है तो कपल होते हैं जी, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो आप इस रिश्ते में मेल का कैरेक्टर प्ले करते हैं? जी हाँ, मैं मेल का। मेरा तो लड़का और लड़की का सपना होता है कि कहीं ना कहीं एक बेबी हो, बच्चा हो, क्या कुछ प्लानिंग है उसको लेकर, कभी सोचा इसके बारे में? जी बिल्कुल प्लानिंग है, और जैसे कि कहते हैं कि लड़का और लड़की जो होते हैं उनकी शादी होती है तो उनका तो भगवान का एक कहते हैं वरदान होता है, तो हम लोगों ने उस वरदान को या तो अडॉप्ट करेंगे अनाथ आश्रम से, या फिर आजकल वैज्ञानिक कहते हैं ना, विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली है तो वो भी पॉसिबल है, तो ज्यादातर तो हमारा यही है कि हम बच्चा अडॉप्ट करें। अंजू जी, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आपने बताया कि आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, तो लोग ट्रोल भी करते होंगे आपको? बिल्कुल, और इतना करते हैं कि मैं क्या बताऊं, हमें जो कमेंट करते हैं ना, इतने गंदे गंदे कमेंट, हमें तो छोड़ो, जैसे हमारे भाई, इसका भाई शादी में आया, उसने सारी रस्म निभाई, तो क्या वर्डिंग थी, आप हैरान हो जाओ, कहते इसका भाई भी ऐसे होगा किसी लड़के से शादी कर ले। हम एक्चुअली, क्योंकि हम बताए ना, हम इस पे फेसबुक वगैरह पर रिटर्न हम जवाब नहीं दे सकते, तो उस चक्कर में हमने उनसे एक ही चीज कहा, भाई तुम्हारे भी भाई, हमारे भाई ने हमें सपोर्ट किया, तो फादर को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे परिवार को किसी को नहीं छोड़ रहे, हमें तो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, बहुत गंदे, मतलब कई बार तो पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सामने जाके फेस टू फेस बात करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जब हम खुश हैं, मतलब तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप किसी को इस तरीके से परेशान ना करें, ट्रोल ना करें, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ होती है और हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। और इसके साथ एक चीज और बोलूंगी कि हमारी जैसी कपल बहुत सारी लड़कियां हैं जो सामने नहीं आ पा रही है, और वो हमसे यही क्वेश्चन करती, दीदी हम अपने परिवार को कैसे मनाएं, कैसे उनको राजी करें, कैसे हम शादी करें, एक दूसरे से बहुत प्यार करते, इस तरीके की मतलब उन लोगों की वो है, तो मैं उनको यही बोलूंगी आप अपने परिवार को मनाओ, थोड़ा वेट करो और इंतजार करोगे तो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, और भाई आप लोग अगर सच्चा प्यार है तो एक ना दिन शादी हो जाएगी, पक्की बात ही है। मेरा नाम कविता टप्पू है, मैं फतेहाबाद से हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ। आपको कब पता चला आप लेस्बियन हैं? नहीं, पहले था,
अच्छा, आप रिलेशन में भी रहे कभी किसी? हाँ, मैं रिलेशन में भी थी। कितने समय तक? मैं 3-4 साल तक थी। अच्छा, और फिर लॉकडाउन लग गया था, मैं मुंबई में भी फंस गई थी। फिर मैं घर पे आई तो लॉकडाउन में इनका फोन आया था मुझे कि ऐसे ऐसे सूट है तो मेकअप आर्टिस्ट की चाहिए, तो मैं मेरे को बोले कि तू आ जा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो वहाँ 15-20-22 दिन का शूट था, तो मुंबई से भी आर्टिस्ट आए हुए थे। तो तब क्या कैसे हुआ, मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ उस दिन प्रपोज किया, ऐसा कोई एक दिन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें प्यार कब हुआ। माता पिता का ने क्या कहा जब? क्या रिएक्शन थे उनके? शादी की सोची, शादी करने की सोची, कैसे मनाया माता पिता को? मेरा पापा और मेरे भाई तो हमेशा साथ रहे हैं। हाँ, मम्मी का है, आज भी है, वो ना इनको नहीं अपनाते हैं। तो अभी थोड़ा घर आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मम्मी से मुलाकात नहीं होती है। पापा जब आपको लगा कि आप इनके साथ लव में है, आप इनको प्यार करते हैं, तो प्रपोज किसने किया? आपने अप्रोच किया इनको या इन्होंने आपको आगे से आके कहा कि चलो शादी करते हैं? किससे? वो तो अभी 4 साल साथ रहते रहते हो गए, तो एकदम ही डिसीजन लिया गया था ये तो सर कि हाँ शादी कर लेते हैं। और हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। 4 साल साथ रहे हैं, अभी 23 अप्रैल को शादी हुई थी, अच्छे से, बहुत अच्छे से। भाई भी आया था, पापा भी आए थे, और भाभी थोड़े स्कूल वकूल जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो बोले कि कोई बात नहीं मैं बाद में आ जाऊँगी। बोली कोई बात नहीं, थोड़ा मम्मी का भी प्रेशर था कि तुम नहीं जाओगे, तो ये सब था। नहीं, उनको पहले ही बता दिया था। आपने बताया कि आप फतेहाबाद हिसार से हैं, हरियाणा का एक क्षेत्र है वो जी। तो स्टिग्मा होता है कि लड़की लड़की से कैसे शादी करेगी। आसपास के लोगों का या जो आपके जानने वाले थे, उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की या आपने उनको समझाया कि नहीं ये सब ठीक है, या क्या? कैसे समाज ने इसको स्वीकार किया? या आप? समाज तो खैर आज भी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हमें बहुत ट्रोल किया जाता है, लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ना भाई को, पापा को, यहाँ तक कि छोटा सा बेबी है 1.5 साल का, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कमेंट्स थोड़ा ऑफ करके रखती हूँ कि इनको थोड़ा ना लगे। तो बहुत पब्लिक तो मतलब ये मानो कि 50-60% हमें बहुत बुरा बोलती है, बहुत ट्रोल करते हैं हमें लोग। तो मैं ये कमेंट पे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा दिल दुखता है, फिर मैं चल जाने देना, क्या कोई बात नहीं, कोई समाज खाने को थोड़ी दे रहा है, कमाना तो हमें ही है, हमें ही खाना है। बहुत सारी लड़कियां या लड़के ऐसे हैं जो इस रिलेशन में हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते समाज की तरफ से, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं जब स्टार्टिंग में, पहले मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक पे पैसे कमाते हैं या कुछ, तो बहुत सारी लड़कियों को जब इनके साथ रिलेशन में आई ना, ये मानो कि सर 40% लड़कियाँ हमें मैसेज करती हैं, मैम हम भी आपकी तरह कपल हैं, तो हम क्या करें कैसे करें। एक तो कपल है, उन्होंने शादी करी हुई है, बेबी भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं कि हम क्या करें, हम आप हमारी शादी में आओगे? मैंने कहा आप बुलाइए कि आप हमारी शादी करवा दीजिए, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। कभी आपके साथ कोई अजीब सा वाक्य हुआ हो, आप दोनों एक साथ जा रहे हो, कभी किसी ने कुछ कमेंट पास किया हो? नहीं, सब फोटो खिंचाते हैं बाहर, तो बेशक वैसे कमेंट गलत कर दें, लेकिन सामने से फोटो खिंचा के ही जाते हैं। कविता, हर लड़की का सपना होता है माँ बनने का, आपने इस विषय पे क्या कुछ सोचा? सर ये हमारी पहले से ही बातें होती हैं, हम कैसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो हमने दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करेंगे। कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी 32। अच्छा, ठीक। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।